पूरे विश्व में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी भी इंसान के जीवन में महिला की एक अहम भूमिका होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक या फिर कहे अंतिम सफर तक, एक महिला माँ, बेटी, बहन और बहू के रूप में हमें हर जगह सपोर्ट करती है। इन सबके बिना शायद कोई अपने आप को अधूरा महसूस करे। पहले समय के समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन आज महिलाएं अपने सम्मान के लिए खुद आगे बढ़कर आती हैं। इसी के लिए आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला सशक्तिकरण, सम्मान और जन जागरण के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले अमेरिका में 1911 में मनाया गया था, लेकिन इसको आधिकारिक मान्यता तब दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने एक थीम के साथ 1975 में मनाना शुरू किया। वर्ष 1975 में ये हर साल 8 मार्च को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम ब्रेकिंग द ब्यास है। हालांकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम सस्टेनेबल कल के लिए लैंगिक है। दुनिया भर में महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है कि समाज में महिलाओं के साथ जो भेदभाव किए जाते हैं, उसके खिलाफ जो महिलाएं आवाज उठाती हैं या अपनी कठिन परिस्थितियों से पार जाकर देश और समाज में विकास के लिए योगदान देती हैं, उन्हीं महिलाओं को याद करते हुए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास है। ये सच है कि महिलाएं घरेलू काम से लेकर राजनीति, नौकरशाही, पत्रकारिता, न्यायालय, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक कार्य और शिक्षा, हर क्षेत्र में एक बेहतर भूमिका निभा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनको कई जगह लैंगिक असमानता, भेदभाव झेलना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले आज भी आते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य है कि हम महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर बनाने को लेकर प्रयासरत रहने का संकल्प लें। आज समाज में जो हमें महिलाओं के खिलाफ अपराध देखने को मिलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सिमोन द बोवोआर ने अपनी द सेकंड सेक्स में लिखा है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि उन्हें बनाया जाता है। समाज के जो रूढ़िवादी विचार हैं, उनको खत्म करने के साथ महिलाओं को समान अवसर देने की जरूरत है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता से ज्यादा समानता पर जोर दिया, जो हमें अनुच्छेद 14 से लेकर 17 तक के प्रावधान में देखने को मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके परिणाम बिल्कुल अलग हैं। हमने अपने संविधान में वोट देने का अधिकार तो हर व्यक्ति को दिया है, जिसको हम राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी लाने की जरूरत है, जिससे हम समाज में जेंडर समानता लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध हो जाएंगे। देशहित न्यूज टीम की तरफ से सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशहित न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।